हेलो नमस्ते कम्मा कणी। अरे वो तेड़ा है। अरे ओ सॉरी कम्मा कणी, वेलकम टू राजस्थान। तो मैं आई हूँ जैसलमेर, आपको ये इंट्रोडक्शन पहले मैं दे चुकी हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल कम्मा घणी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आई हूँ राजस्थान। राजस्थान में मैं आई हूँ जैसलमेर। जैसलमेर का मेरा जो प्लान है वो है टोटल 2 nights and 3 days का। मैं ट्राई करूँगी मेरी तरफ से कि मैं जो जो प्लेसेस विजिट करूँगी, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो कोर ब्यूटी है, मैं आपको एक्सपीरियंस करा पाऊँ। मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। स्टे ट्यून। आइटिनरी जो है वो है कि मैं यहाँ से अभी निकलूंगी एंड देन आई विल विजिट जसेरी पॉन्ड एंड देन सेकेंडली खाबा फोर्ट। अगर पॉसिबल हुआ तो कुलदारा विलेज भी आई विल ट्राई टू विजिट। मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी डेजर्ट देखा नहीं है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आज पहली बार डेजर्ट देखूंगी और वो एक्सपीरियंस करूंगी। तो अभी लगी है भूख और बहुत ज़्यादा भूख हद लेवल तक। अभी ऐसे सोच रही हूँ कि ब्रंच ही किया जाए डायरेक्टली। तो आप जब भी आओगे मेक श्योर कि आप डेजर्ट जाने से पहले प्रॉपर खाना खा लो या फिर ब्रंच कर लो, सो दैट आपको इवनिंग तक, जब तक आपका कैंप साइट में टी और बाकी सब चीज़ें नहीं मिलती, तब तक आपके पेट को सहारा रहे। तो हमने डेजर्ट जाने के लिए कार रेंट की है, आप बाइक भी ले सकते हो। तो अब हमारी कार आ चुकी है और हम निकल रहे हैं। मिलते हैं भूतों के साथ। हम आए हैं कुलधारा विलेज। एक्चुअली कुलधारा विलेज जो था वो हमारे प्लान में इंक्लूडेड नहीं था, बट खाबा फोर्ट जाते टाइम रास्ते में ही कुलधारा विलेज आता है, सो वी डिसाइडेड कि हम कुलधारा विलेज भी विजिट करेंगे। कुलधारा विलेज में एंट्री करने के लिए 20 rupees पर पर्सन आपको एंट्री फी देनी पड़ती है। वॉट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस? एक्चुअली कुलधारा विलेज जो है, इस विलेज को इंडिया का सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, बिकॉज जैसलमेर में टोटल 84 गाँव थे जहाँ पे पालीवाल ब्राह्मीण रहा करते थे। एक दिन ऐसे हुआ वहाँ जो भी लोग रह रहे थे वो रातों रात गायब हो गए। इसके बिहाइंड जो रीज़न है, दी राजा जो यहाँ पे थे वो उनको बहुत परेशान करते थे। बिकॉज ऑफ दैट उन सब लोगों ने गाँव छोड़ दिए। एंड कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रीज़न है ये अभी तक नोन नहीं है कि क्यों खाली हुए और कैसे खाली हुए, वो भी टोटल 84 गांव। एंड द सेकेंड रीज़न फॉर हॉन्टेड थिंग इज़, यहाँ पे 2010 में कुछ साइंटिस्ट आए थे रिसर्च करने के लिए और उस टाइम उनको पता चला यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ भी होती है, सो दैट्स वाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज अ हॉन्टेड प्लेस। ये जो विलेज है ये कम्प्लीटली अबैंडन्ड विलेज है, कम्प्लीट ऐसा खंडर जैसा विलेज है, सो इट इज़ रियली अ बिट स्केरी हियर।
नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज जसेरी पॉन्ड। जसेरी पॉन्ड जो है वो आप जब कुलधारा विलेज से खाबा फोर्ट जाने के लिए निकलते हो तब ये रास्ते में आता है। ये पॉन्ड जो है ये एक्चुअली नेचुरल पॉन्ड नहीं है, ये एक क्रिएटेड पॉन्ड है जो पालीवाल कम्युनिटी ने बनाया था। इस पॉन्ड की ब्यूटी ये है कि इतने डेजर्ट में भी, इतने गर्मी में भी, एंड इवन जब भी कभी जैसलमेर में बहुत गर्मी हो या फिर सूखा पड़ा हो, फिर भी ये पॉन्ड आज तक कभी नहीं सूखा। एंड पिछले 700 सालों से ये पॉन्ड आसपास के 20 से 25 गांव की वाटर नीड्स कंप्लीट करता आ रहा है। इजंट दिस ब्यूटीफुल। ये जो लोकेशन है जसेरी पॉन्ड, ये बहुत ज्यादा नोन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। दिस इज अ ऑफबीट प्लेस। अगर आप जैसलमेर आ रहे हो एंड यू आर गोइंग टू विजिट कुलधारा विलेज एंड खाबा फोर्ट, तो यू शुड एड दिस लोकेशन इन योर प्लान। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट जो था वो एक्चुअली एक ट्रेडिंग सेंटर था सिख का, जैसलमेर एंड सिंध के बीच में। अब सिंध जो है वो पाकिस्तान में आता है। पा रहे हो एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि अभी इस अबैंडन्ड विलेज में कोई नहीं रहता, बट अभी भी वो मंदिर में एक पुजारी है, वो रहते हैं। दिस इज सो स्कैरी कि ऐसे पूरे अबैंडन्ड विलेज में तुम अकेले रहो, बट वो अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसलमेर में टोटल ऐसे 84 गांव थे जो रातों रात खाली हो गए, एंड राइट नाउ ऑल दोज विलेजेस आर अबैंडन्ड विलेजेस। तो खाबा फोर्ट एंड खाबा विलेज बोथ ऑल्सो कम्स अंडर दोज 84 विलेजेस, एंड इसी वजह से खाबा फोर्ट एंड खाबा विलेज दोनों को भी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है जैसलमेर में। दिस कैंप साइट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप देखिए, टूर कीजिए जो मेरी कैंप साइट है उसकी, एंड डेजर्ट सफारी एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। सो यस, स्टे ट्यून। आपको मिलवाने जा रही हूँ राजस्थान के कल्चर से। जैसलमेर के लोकल लोग जो अपना टैलेंट दिखा के लोगों का मनोरंजन करते हैं। Getting entertained by these locals and enjoying beautiful sunset at desert, हम हमारे कैंपसाइट वापस आए जहाँ पर और एक एंटरटेनमेंट का पैकेज हमारा इंतजार कर रहा था। Welcome to day 2 and
मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर. हेलो पीपल. आई एम नॉट अ सनराइज पर्सन एट ऑल. मैं सनसेट पर्सन हूँ और इसका रीजन ये है कि मुझे लेट तक सोना पसंद है. पर आज जो मेरा डिसीजन था सुबह 5 बजे उठने का और यहाँ डेजर्ट में आने का टू सी द सनराइज एकदम करेक्ट डिसीजन था. मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही हूँ सुबह जल्दी उठने का. मैं सुबह 6:15 से यहाँ आई हूँ. आते टाइम पूरा अंधेरा था तो तब मैंने स्टार्स देखे और आने के बाद मैंने जो यहाँ पे कलर चेंजेस, ह्यू चेंजेस और कॉम्बिनेशन देखा है ना, आई कैन नॉट टेल यू. एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी. मैंने सनराइज देखा और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी. का वेदर जो है ना एकदम प्लेजेंट है. दिन में धूप रहती है, बहुत ज्यादा भी नहीं, लाइक 35 तक का टेम्परेचर था. एंड जब इवनिंग होती है और अभी सुबह भी, इट इज लाइक वो कहते हैं ना गुलाबी ठंडी. मराठी में तो यही कहते हैं, जो ठंड चुभती नहीं है बहुत प्यारी लगती है उसको गुलाबी ठंडी कहते हैं. इसी गुलाबी ठंड में मैंने सुना एक प्यारा गाना वैभव की सुरीली आवाज में. ठंडा चांद पकड़ लो दिन रात के बेरी भेद का रुख मोड़ दो तुझे संग बैर लगाया. जैसलमेर आए हो और कैमल राइड नहीं करी तो क्या मजा किया. चेकआउट फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल कैंप एंड अब हम जा रहे हैं जैसलमेर सिटी. Yeah.